हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। इसके नाम से ही पता चलता है कि ट्रेन पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन गैस से चल रही है। जर्मनी ने सफलतापूर्वक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत 2018 में की थी। इससे प्रदूषण भी कम होगा, जिसकी वजह से इसे इको फ्रेंडली कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में धीरे धीरे प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी एल्स्टम ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को तैयार किया है। फ्रेंच टीजीवी मेकर एल्स्टम द्वारा निर्मित दो ब्राइट ब्लू कॉर्डिया आइलैंड ट्रेन्स ने कक्सहेवन, ब्रेमरहेवन, ब्रेमरवोड एंड बक्स्टरयूर इन नॉर्दर्न जर्मनी के शहरों के बीच एक 100 किलोमीटर के मार्ग पर हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की, जिसे यहां पर डीजल से चलने वाली ट्रेन के विपरीत चलाया गया। इस ट्रेन की खासियत ये है कि पारंपरिक डीजल इंजन की तुलना में ये 60 डेसिबल कम शोर करेगी। ये पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री है। इसकी रफ्तार और यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी डीजल ट्रेन के बराबर ही है। सो ये थे कुछ फैक्ट हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। आपको जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको क्या लगता है भारत में ये ट्रेन कब आएगी ये भी हमें जरूर बताएं।